हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल सैनी है। आज मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी। बच्चों, यह लेसन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी होता क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, वेग एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। जैसे आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन किस वेग से हो रही है, क्या उसकी क्रियाविधि है, इन सब चीजों के बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। बच्चों, ये हुई आपके रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, आयनिक अभिक्रियाएं या तात्कालिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं। नंबर 2, मंद अभिक्रियाएं। नंबर 3, समांगी अभिक्रियाएं। और नंबर 4, विषमांगी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः चार प्रकार की होती है। नंबर 1, आयनिक अभिक्रियाएं। या तीव्र अभिक्रियाएं। नंबर 2, मंद अभिक्रियाएं। नंबर 3, समांगी अभिक्रियाएं।
नंबर चार विषमांगी अभिक्रिया है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो अपने आयनों के मध्य टूट जाती है, मतलब जिसमें जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो अपने आयनों के मध्य टूट जाते हैं, आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। आयनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रिया जो अभिकारक पदार्थों के मध्य अपने आयनों में टूट जाती है, आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये इतने तीव्र वेग से होती है कि इनका टाइम हम मेजर नहीं कर पाते, मतलब 10^-10 सेकंड में ये अभिक्रियाएं हो जाती है। जैसे आप पानी लिया और पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया और नमक तुरंत पानी के अंदर घुल जाता है, तो ये एक प्रकार की आयनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो नमक है हमारा NaCl अपने आयनों के मध्य टूट जाता है, N+ और Cl-। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaCl से, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, Ag अपने आयनों में टूट जाएगा Ag+, और NO3 अपने आयनों में टूट जाएगा NO3-। यहाँ पे NaCl है, Na+ में विभक्त हो जाएगा और Cl- में। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये अपने आयनों में विभक्त हो गए हैं तो ये प्लस वाला माइनस के पास अटैक करेगा और माइनस वाला प्लस के पास अटैक करेगा, तो हमारी होने वाली रिएक्शन हो जाएगी AgCl+NaNO3। यह हुई आपकी आयनिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो अपने अभिकारक आयनों के मध्य मंद वेग से होती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जो अभिकारक पदार्थों के मध्य मंद वेग से होती है, मंद वेग से होती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। ये अभिक्रियाएं बच्चों इतना समय ले ले सकती है कि कभी कभी इन अभिक्रियाओं को होने में 1 साल, 2 साल या 10 साल काफी समय लग जाता है। जैसे आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने एक फिटकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, तो बच्चों फिटकड़ी का टुकड़ा ये नहीं मालूम कि वो
कितने दिन में आपका भूलेगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ठीक है। तो यह अभिक्रिया बहुत ही मंद वेग से होती है, तो यह अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन आपने करा दी एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो यहाँ पे क्या होगी, ये इतने मंद वेग से होगी कि सभी क्रियाओं को होने में 1 साल, 5 महीने या 6 महीने का समय लग सकता है। तो आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, यहाँ से देखो, आपके पास CH3COO ये माइनस में विभक्त हो जाएगा और H प्लस में C2H5 और OH माइनस में और C2H5 प्लस में। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आपका प्लस के पास अटैक करेगा और प्लस, एक सेकेंड, CH3COO- H+ C2H5+OH- माइनस प्लस के और प्लस माइनस CH3COOH CH3COO C2H5 प्लस H2, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी समांगी अभिक्रिया। समांगी अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, समांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे आपके जो अभिकारक पदार्थ होंगे, या तो वो सॉलिड सॉलिड होंगे, या वो लिक्विड लिक्विड होंगे, या वो गैस गैस होंगे, मतलब भौतिक पदार्थ, आपके अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान होगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, समांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब देखो बच्चों, जैसे आपके पास CH3COOH है, इसकी जो अवस्था होगी वो होगी लिक्विड, और आपके पास एल्कोहल है C2H5OH, ये भी आपका लिक्विड अवस्था में है, तो इससे बनने वाला कंपाउंड आपका क्या बनेगा, CH3COO C2H5, ये भी आपका लिक्विड मिलेगा, प्लस H2O, ये भी आपका लिक्विड होगा। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे भौतिक अभिकारक पदार्थ है, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं है लिक्विड है, दोनों के दोनों सेम अवस्था में है, तो ये अभिक्रिया हमारी समांगी अभिक्रियाएं कहलाएगी। अब नेक्स्ट है हमारी विषमांगी अभिक्रियाएं। विषमांगी अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे आपके पास एक सॉलिड दूसरा लिक्विड, या एक सॉलिड दूसरा गैस, ऐसे हो सकते हैं, तो वे हमारी विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों की
भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे आपके पास जिंक है बच्चों, जिंक आपको प्रयोगशाला में सॉलिड के रूप में मिलता है। आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा आपको एक चूर्ण दे दिया जाता है, तो वो चूर्ण बच्चों इसको जिंक को पीस के बनाया जाता है, तो वो एक सॉलिड होता है। प्लस आपकी रिएक्शन करा दी H2SO4 से, आपने देखा होगा H2SO4 हमेशा लिक्विड के रूप में मिलता है, तो होने वाली अभिक्रिया क्या होगी हमारी, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे ZnSO4 लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा और H2 हमारी गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो हमारे अभिकारक पदार्थ है, अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। एक लिक्विड है हमारा और एक सॉलिड है, ठीक है बच्चों। ये हुई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग क्या होता है। एकांक समय अंतराल में इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एकांक समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों मतलब अभिक्रिया दर R इज इक्वल टू अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन बटे समय अंतराल। एकांक समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझेंगे बच्चों, जैसे आपके पास मैं समय और सांद्रता को मैं इससे आपको सक्रिय द्रव्यमान इस चिन्ह से प्रदर्शित कर रहा हूँ, सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता। अब जब हम समय और
समता के बीच में ग्राफ खींचा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट हुआ, यानी हमारा अभिकारक हुआ, और जैसे जैसे हम अभिक्रिया को शुरू करेंगे तो हमारा अभिकारक कम होना शुरू होगा, अभिकारक कम होना शुरू होगा और उत्पाद हमारा बनना शुरू हुआ। तो यहाँ से हमारा अभिकारक क्या हुआ, समय स्टार्ट कर दिया हमने, अभिकारक हमारा कम होना शुरू हो गया, और जो हमारा उत्पाद है, सपोज करो ये हमारा उत्पाद बनना शुरू हुआ, तो उत्पाद हमारा बनना शुरू हुआ। यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, जो हमारा अभिकारक था, अभिकारक में क्या हुआ, कमी आई है, तो कमी को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, माइनस से। तो यहाँ पे क्या होगा, अभिकारक को हम डेल्टा, माइनस के डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, मतलब अभिकारक में कमी आई है और उत्पाद में वृद्धि आई है, इसको हम प्लस प्लस डेल्टा सेकेंडरी द्रव्यमान ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब हम माइनस का चिन्ह लेंगे और कब हम प्लस का चिन्ह। अब हम यहाँ पे अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर निकालनी है, तो फार्मूला क्या होगा, अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर, थोड़ी रहेगी, अभिकारक के लिए अभिक्रिया दर बराबर, अभिकारक के लिए हमने देखा है क्या आ रहा है हमारा, माइनस, माइनस अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय अंतराल, और उत्पाद के लिए निकालेंगे तो उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए क्या आएगा, प्लस अभिकारक पदार्थों की, सॉरी उत्पाद पदार्थों की सांद्रताओं में परिवर्तन, सांद्रताओं में परिवर्तन बटे समय अंतराल।